अनुज हुआ परेशान। जी हाँ, वेल दोस्तों, आने वाला एपिसोड आपको अनुपमा का बहुत ही अमेजिंग ट्विस्ट भरा इंटरेस्टिंग आपको सब चीजें देखने को मिलेगी अपकमिंग एपिसोड के अंदर। और वहीं एक तरफ आपको अपकमिंग एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा कि फाइनली अनुज हो चुका है परेशान। वेल दोस्तों, अब बात करते हैं आखिर क्यों हुआ है अनुज परेशान। वेल हुआ कुछ ये, यानी कि आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा कि फाइनली अनुज अपने शादी के बारे में ना सोचकर वो अनुपमा के बारे में ही सोच रहा होता है। तो वहीं एक तरफ कुछ अपने फाइल वगैरह इकट्ठे कर रहा होता है, तो वहीं एक तरफ श्रुति आती है और श्रुति बोलती है कि क्या हुआ, तुम इतने पैनिक क्यों दिख रहे हो। तो वहीं एक तरफ अनुज बोलता है कि नहीं, मैं पैनिक नहीं हूँ, बस मेरे ऑफिस की थोड़ी टेंशन है, उसको क्लियर कर रहा था, मेरे फाइल वगैरह ढूंढ रहा था। तो वहीं एक तरफ श्रुति बोलती है कि लाओ मैं ढूंढ देती हूँ तुम्हारी फाइल। तो अनुज बोलता है कि कोई जरूरत नहीं, मैं ढूंढ लूंगा अपनी फाइल, तुम अब आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। जी हाँ, तो वहीं एक तरफ श्रुति बोलती है कि पक्का ना तुम ढूंढ लोगे ना। तो वहीं अनुज बोलता है कि हाँ मैं ढूंढ लूंगा, तुम जाओ यहाँ से। तो फाइनली श्रुति वहां से चली जाती है। तो वहीं एक तरफ अनुज सोचने लग जाता है कि अभी मेरा ये हाल है, तो जब मैं और श्रुति शादी करेंगे तब अनुपमा का क्या हाल होने वाला है। जी हाँ, ये सोचने लग जाता है अनुज अनुपमा के लिए। वेल दोस्तों, अब देखना ये हुआ कि क्या होता है अपकमिंग एपिसोड के अंदर। अनुज तो ये सोच रहा है कि अगर मेरी और श्रुति की शादी हो जाएगी तो अनुपमा एक रह नहीं पाएगी। वेल, अब देखना ये हुआ कि अनुपमा इसमें क्या करने वाली है, क्योंकि अनुपमा को भी यही लगता है। वेल, आने वाला एपिसोड आपको अनुपमा का बहुत ही अमेजिंग ट्विस्ट और इंटरेस्टिंग सब चीजें आपको देखने को मिलेगी अपकमिंग एपिसोड के अंदर, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। वेल, आपको क्या लगता है और भी क्या क्या हो सकता है अपकमिंग एपिसोड के अंदर, तो वो आप हमें कॉमेंट कर बता सकते हो। और ऐसी अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना सुबह देखने वीडियो और देखने अपडेट के साथ। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। बाय।